हाय व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवीन दहिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ B.Ed फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स। जून 2017 में हुए थे लास्ट ईयर। CRSU का ये यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है। गाइस, मैंने इसके हिंदी मीडियम में भी वीडियो बना रखी है, क्वेश्चन पेपर की मैंने अपलोड कर रखी है, आप उसको देख लेना। और 3 घंटे का ये क्वेश्चन पेपर है और 80 मार्क्स का आपका पूरा एग्ज़ाम होगा। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको वीडियो क्लियर नहीं है तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपने वीडियो ओपन कर रखी है आपके ऊपर 3 डॉट्स दिखाई देंगे कोने में। जब आप उन 3 डॉट्स पर क्लिक करोगे तो आपको वीडियो क्वालिटी का नीचे ऑप्शन शो होगा, और जब आप क्लिक वीडियो क्वालिटी को हाई करोगे तो आपको वीडियो क्लियर दिखेगी। और ये जो प्रोसीजर है वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन वीडियो क्वालिटी हाई नहीं होगी, मैं पहले ही बता रही हूँ। और मुझे कमेंट आया है कि आप हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की वीडियो साथ में नहीं बनाते। गाइस, CRSU में जो क्वेश्चन पेपर आते हैं, जो लास्ट ईयर आए थे, उनमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन पेपर अलग अलग आए थे, साथ के साथ हिंदी और इंग्लिश साथ के साथ नहीं आई थी, इसलिए मैं अलग अलग बना रही हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है अलग अलग बनाने का, मैं साथ में बता देती हूँ। और मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, मैं जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के अलग अलग क्वेश्चन पेपर देते हैं CRSU। इकट्ठे में जो पीछे MDU में जो क्वेश्चन पेपर दिए जाते हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम साथ साथ, इसमें ऐसा कुछ भी प्रोसीजर नहीं है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। 5 आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, 4 यूनिट होंगी, और जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो सबके लिए कंपलसरी होगा। और जो मार्क्स हैं वो इक्वल हैं, हर क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स हैं, लेकिन जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको पार्ट में मिलेगा। 4x4 16 मार्क का ये क्वेश्चन होगा, लेकिन ये आपको एक क्वेश्चन नहीं, 4 क्वेश्चन पूछेंगे 4 मार्क्स के। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 6 पार्ट दिए गए हैं एक क्वेश्चन के, लेकिन ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। 6 नहीं, आपको सिर्फ 4 दिए हुए मिलेंगे, आपको सिर्फ 4 करने हैं, 6 नहीं करने हैं। तो फर्स्ट है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, नेक्स्ट है कॉन्टेक्ट एनालिसिस, 3rd है इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक लेबोरेटरी, टाइप ऑफ इन सर्विस प्रोग्राम्स ऑफ मैथमेटिक्स टीचर, ये हो गए 4, और जो 2 एक्स्ट्रा इन्होंने दे रखे हैं कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन CCE, 6th है मैथमेटिक्स फेयर। ये आपको सिर्फ 4 गिवन होंगे, 4 क्वेश्चन आपको सिर्फ 4 करके आने, 6 नहीं करने हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट यूनिट, ये आपको क्वेश्चन ऑप्शन में मिलेंगे। फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन है Described in detail the history of mathematics with special emphasis on teaching of mathematics. ये 16 मार्क का है। और जो ऑप्शन में है क्वेश्चन, what do you understand by taxonomy of instructional objectives? ये 16 मार्क का क्वेश्चन है ऑप्शन में। नेक्स्ट है सेकेंड यूनिट, एक्सप्लेन एनालिटिक सिंथेटिक मैथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स इन डिटेल बाय गिवन सुटेबल एग्जांपल। नेक्स्ट है ये 2 पार्ट्स में क्वेश्चन दिया गया है, राइट पैडागोजिकल एनालिसिस इन ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वॉल्यूम, 2nd है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। नेक्स्ट है 3rd यूनिट, जिसका भी आपको एक क्वेश्चन 16 का है, वैसे तो दोनों 16 के हैं, लेकिन जो ऑप्शन में क्वेश्चन है वो आपको 2 पार्ट्स में पूछा गया है। 3rd यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैथमेटिक क्लब, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरियस रिक्रिएशनल एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मैथमेटिक क्लब इन द स्कूल। ऑप्शन में क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट इंडक्शन स्किल, 2nd है स्किल ऑफ री इन्फोर्स
रिइंफोर्समेंट। नेक्स्ट है फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट का भी एक मिनट। फोर्थ यूनिट के भी टू क्वेश्चन हैं, गिवन ऑप्शन में हैं। फर्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेलुएशन, ऑल्सो डिफ्रेंशिएट बिटवीन साइटेशन रिफरेंस टेस्ट। ऑप्शन में क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, रोल ऑफ मैथमेटिक्स टीचर एसोसिएशन इन प्रोफेशनल ग्रोथ, और सेकंड है रिसोर्स मटेरियल इन मैथमेटिक्स इवेलुएशन। ये आपके टू पार्ट्स में क्वेश्चन पूछा गया है 16 मार्क का। गाइस ये पेडागोजी और मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर था जून 2017 में, जो लास्ट ईयर क्वेश्चन जो एग्ज़ाम हुए थे सीआरएसयू यूनिवर्सिटी के। ये मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया, और गाइस मेरे पास टाइम की कमी है इसलिए मैं आपके लिए जो क्वेश्चन पेपर है वो मैं डिले कर रही हूँ, और उसके लिए आई एम रियली सॉरी कि मैं आपके लिए क्वेश्चन लेट लेके आ रही हूँ, लेकिन मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं आपके लिए क्वेश्चन अपलोड कर देती हूँ, उसके लिए प्लीज़ आई एम सॉरी। और चले गाइस मैं वीडियो बंद करती हूँ, और मैं आपको बता दूँ बेस्ट ऑफ लक, बता दो नहीं बोल दो, ठीक है गाइज बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और लास्ट में मैं यही कहूँगी, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता बार बार सब्सक्राइब करो। अगर गाइज आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कर दो, नहीं लगती तो मत करो, मैं फोर्स नहीं करती, मैं बस आपके लिए आपके बेनिफिशियल के लिए आपके लिए वीडियो लेके आ रही हूँ, मेरा कोई पैसे कमाने का मोटिव नहीं है कि मैं पैसे कमाने के लिए यूट्यूब पे वीडियो डाल रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आपकी आप लोगों की हेल्प हो जाए मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तो चलिए गाइस बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, अच्छे से अपनी तैयारी करो, एग्ज़ाम दो और अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आओ, ताकि आप और आपके टीचर, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स सब खुश हों। तो चलिए फ्रेंड्स गाइस बाय बाय।